हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट किया था, तो आज हम सेकंड ग्रुप करने वाले हैं। तो सेकंड ग्रुप है हमारा बाइनरी इनटू डेसिमल, ऑक्टल इनटू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल। तो हमारी जो तीन नंबर सिस्टम है उसका हमें कन्वर्जन करना है डेसिमल में। और सेकेंड ग्रुप में फर्स्ट है बाइनरी इंटू डेसीमल, तो जो हमने कॉमन फार्मूला लिखी थी यहाँ पे उसका यूज़ होगा। तो फर्स्ट हम बाइनरी इंटू डेसीमल कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एग्जांपल है बाइनरी का डेसीमल में कन्वर्जन करने के लिए, तो वो है 101011। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिट हमारी काउंट करेंगे। ज़ीरो से अगर आप बिट काउंट कर रहे हो तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, उसका मीनिंग क्या होगा कि फॉर्मूला में हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 2 raise to 5 से। तो 1 into 2 raise to 5 प्लस 0 into 2 raise to 4 प्लस 1 into 2 raise to 3 प्लस 0 into 2 raise to 2 प्लस 1 into 2 raise to 1 एंड लास्ट जो बीट है हमारी 1 into 2 raise to 0। अब उसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो उसमें क्या है 1 into 2 raise to 5, तो 2 raise to 5 क्या आएगा 32। यहाँ पे 0 into 2 raise to 4 है, तो 2 raise to 4 उसका आंसर क्या आएगा 60। यहाँ पे 1 into 2 raise to 3 है, तो 2 raise to 3 क्या आएगा 8। 0 into 2 raise to 2 है, तो 2 raise to 2 का आंसर आएगा 4। 1 into 2 raise to 1 है, तो उसका आंसर आएगा 2। और यहाँ पे 1 into 2 raise to 0 है, तो उसका आंसर आएगा यहाँ पे 2 raise to 0 का 1। कोई भी डेसिमल नंबर होता है उसकी 0, 2 raise to 0 या 3 raise to 0 होता है, तो उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है 32 into 1, तो 32, 0 into 16 दैट मीन 0, 1 into 8 इक्वल टू 8, 0 into 4 इक्वल टू 0, 2 into 1 इक्वल टू 2 एंड 1 into 1 इक्वल टू 1। तो हम 32 + 8 + 2 + 1 करेंगे, तो उसका एडिशन आएगा 43। तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर था उसका आंसर हमने यहाँ पे लिखा है 43। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देख लेते हैं पॉइंट वाला। तो यहाँ पे 111 into 111 बाइनरी नंबर है, उसका हमें कन्वर्जन करना है डेसिमल में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी बिट काउंट करेंगे 0, 1 और 2। उसका मीनिंग ये होगा कि कॉमन फार्मूला जो हमने बनाई थी बाइनरी में, तो उसमें क्या होगा 2 raise to 2 से स्टार्ट होगा हमारा फार्मूला। तो 1 into 2 raise to 2 प्लस 1 into 2 raise to 1 प्लस 1 into 2 raise to 0। और पॉइंट वाला जो पोर्शन है वो कॉमन फार्मूला में था 1 into 2 raise to -1, 1 into 2 raise to -2 और 1 into 2 raise to -3। तो यहाँ पे 2 raise to 2 का आंसर आता है 4, 2 raise to 1 का आंसर आता है 2, 2 raise to 0 का आता है 1 और 2 raise to - है यहाँ पे। तो अगर हम 1 divided by 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका प्लस। सेम यहाँ पे 1 into 2 raise to -2 है, तो 1 divided by 2 raise to 2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 2 raise to 2 यहाँ पे होगा 4। यहाँ पे 1 into 2 raise to -3 है, तो 1 upon हम क्या करेंगे 2 raise to -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 upon 2 raise to 3 होगा और 2 raise to 3 होता है 8। तो यहाँ पे आएगा 1 upon 8। सो 4 into 1 4, 2 into 1 2, 1 into 1 1 और 1 into 1 divided by 2, तो उसका आंसर यहाँ पे आता है 1 divided by 2। तो अगर आप 1 divided by 2 कर रहे हो तो उसका आंसर आएगा 0.5। नेक्स्ट है 1 into 1 divided by 4, तो उसका आंसर आएगा 1 divided by 4। 1 divided by 4 आप कर रहे हो तो उसका आंसर आएगा 0.25। थर्ड बिट है हमारी 1 divided by 8, जब आप 1 divided by 8 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.125। हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका एडिशन अलग से करना है और जो हमारा होल पार्ट है उसका एडिशन अलग से करना है। तो 4 + 2 + 1 हमारे पास आएगा 7 और यहाँ पे 0.5, 0.25 और 0.125 का आंसर आएगा 0.875। सो हमें फ्रैक्शनल पार्ट और होल पार्ट जो हमारा है उसको कंबाइन करना है, तो हमारा आंसर आएगा 0.875।
सो हमारे पास बाइनरी नंबर था यहाँ पे, तो उसका डेसिमल में कन्वर्जन हुआ है 7.875। थैंक यू।